सो हेलो स्टूडेंट, सो अगेन माई सेल्फ नरेंद्र कुमार। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम 2009 एंड ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12th के सिलेबस पर बेस्ड, उनका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये जो है, अगेन आप नोट्स बनाते रहिए कि क्या क्या हमें रिवाइज करना है, क्या चेक करना है। तो ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज, तो ये फिनोलिक कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं, बेंजोइक एसिड, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हो रहा है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑलवेज मोर एसिडिक देन फिनॉल्स एंड फिनोलिक कंपाउंड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला अगर है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक नेचर। तो थर्ड जो है हमारा मोस्ट एसिडिक है, थर्ड जो है मोस्ट एसिडिक है, और ये आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ही नज़र आ रहा है और किसी में नज़र नहीं आ रहा है। और अमंग वन एंड टू अगर हम देखेंगे तो वन जो होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा, बिकॉज Cl बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इसको थोड़ा मोर एसिडिक बना देगा पैरा क्लोरोफिनॉल को कंपेयर टू फिनॉल। सो यहाँ पे कंक्लूजन ये हो गया कि थर्ड जो है वो मोस्ट एसिडिक है एंड फर्स्ट जो है वो लीस्ट एसिडिक है। तो ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा, थर्ड फोर देन थ्री टू एंड देन वन। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, अमंग सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन एंड नेचुरल रबर, द पॉलीमर इन विच द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट इन। देखिए, पहले जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें सेलुलोज पर बेस्ड दो बार क्वेश्चन आया हुआ था, एक बार मैच द फॉलोइंग टाइप में, और एक ये जो है सेलुलोज को एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एसिटाइलेशन उसका कर रहे हैं आप, और फिर एक अगेन सेलुलोज पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। सो सेलुलोज के अंदर बेसिकली बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर बेसिकली कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स होंगे, पोलर बॉन्ड्स होंगे, तो डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। नाइलॉन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिकॉज ऑफ द अमाइड ग्रुप्स, तो ये भी एक स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा। नेचुरल रबर के अंदर बेसिकली सिंपल वैन डेर वाल्स फोर्सेज होंगे, और नेचुरल रबर एक इलास्टोमर्स भी है, इलास्टोमर्स के अंदर वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है द पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट, तो दैट इज इन नेचुरल रबर। तो इसका आंसर हमारा नेचुरल रबर है। फिर एक ये क्वेश्चन अगेन पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 16-18। सो ए कार्बोनिल कंपाउंड पी विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट अंडरगोज रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन टू गिव एन ओलिफिन क्यू। ओजोनोलिसिस ऑफ क्यू लीड्स टू अ डाइकार्बोनिल कंपाउंड आर which undergoes intramolecular aldol reaction to give predominantly S। तो यहाँ पे हम इसका एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड P है which gives पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कार्बोनिल कंपाउंड में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये बेसिकली एक कीटोन टाइप का ही कार्बोनिल कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे हम एक जस्ट जनरल स्ट्रक्चर टाइप का बना लेते हैं कि ये जो है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O R टाइप का कंपाउंड होगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है P। अब इस P को जो है अंडरगोज रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसका एसिडिफिकेशन कर दिया है। तो ये दोनों स्टेप में एक साथ बना लेता हूं। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अगर हम रिएक्ट करा देते हैं तो ये बनेगा, और इसका जब हम डिहाइड्रेशन कर देते हैं एसिड कैटेलाइज्ड, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, आप देख सकते हैं कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जा रहा है। तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम हीट करेंगे तो एक एल्कीन ओलिफिन क्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ ये जो ओलिफिन है इसको हम ओजोनोलिसिस अगर करा देते हैं, leads to a dicarbonyl compound R। तो किसी भी एल्कीन के ओजोनोलिसिस से डाइकार्बोनिल कंपाउंड अगर प्रोड्यूस होता है तो ये एक इंडिकेशन है कि ये कोई भी एक साइक्लो एल्कीन है। साइक्लो एल्कीन के ओजोनोलिसिस से डाइकार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा R, और इस डाइकार्बोनिल कंपाउंड को इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन
इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिएक्शन या कंडेंसेशन हमें चेक करना होगा. हीट भी किया ही जा रहा है तो इसलिए कंडेंसेशन ही हो जाएगा और ये प्रोडक्ट एस बन जाएगा. तो यहाँ पे जस्ट इतना मेंशन किया हुआ है कि ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है दैट अंडरगोज हेलोफॉर्म रिएक्शन. ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे. हमें ऑप्शंस को देखना पड़ेगा. ठीक है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है तो ये बेसिकली ऑप्शन में कुछ एलिमिनेशन करके हमें आंसर निकालना होगा. तो हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड पी इज, तो देखिए वेल नोन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है. तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी कैन नॉट बी द आंसर, ऑप्शन डी कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा. अब ऑप्शन ए या बी में से हमें कुछ चूज करना है, ऑप्शन ए या बी में से हमें चूज करना है. तो यहाँ पे हमें जो चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है क्या ये एल्डोल रिएक्शन शो करने के लिए कैपेबल है या नहीं है. तो हम पी को ले लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि पी से जो हमारा प्रोडक्ट क्या बन सकता है. ऑप्शन ए में जो पी गिवन है उसको चेक कर लेते हैं. तो ये हमारे पास में डबल बॉन्ड है यहाँ पे और साइड में ये सी डबल बॉन्ड ओ और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्लेस्ड है. तो इसको ग्रिगनार्ड रिएजन के साथ रिएक्ट करके एच प्लस आइन के साथ रिएक्शन के बाद में जो हमारा ये टर्शरी अल्कोहल बनेगा वो क्या करेगा. तो अब ये जस्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है वो एक टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल बनता है. बट ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसमें कॉन्जुगेट एडिशन भी हो सकता है. बट ग्रिगनार्ड रिएजन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं तो सिंपल 1-2 एडिशन ही हमें कंसिडर करना है. ये कुछ जो हैवी मेटल आयन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो फिर इसके अंदर कॉन्जुगेट एडिशन हो सकता है, 1-4 एडिशन हो सकता है. तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल बन गया. इस टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने से एक साइक्लोएल्कीन बन रही है, ये इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है. अब अगर साइक्लोएल्कीन को अगर आप देखोगे तो नॉर्मल तो ये बन सकता है, इसका मतलब ये एक कार्बोकेटाइन बनेगा और वो कार्बोकेटाइन रिंग पर अटैक कर जाएगा. तो ये बेसिकली इंट्रामोलिक्यूलर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे. तो इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर हम करेंगे तो ये जो भी हमारा ग्रुप होगा वो अपनी नियरेस्ट पोजीशन पे अटैक करेगा और इसकी जो नियरेस्ट पोजीशन है आफ्टर द लॉस ऑफ ओएच वो ऑर्थो पोजीशन ही है और तो कहीं जा ही नहीं सकता ये. तो इस रिएक्शन से ये हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा. अब इस प्रोडक्ट का अगर हम ओजोनोलिसिस कर देते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस प्रोडक्ट के ओजोनोलिसिस से जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड देखिए एल्डोल रिएक्शन शो नहीं कर सकता है. ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड जो है वो एल्डोल रिएक्शन शो नहीं कर सकता है अगर ये क्यू है तो. ठीक है, ये एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि ये एल्डिहाइड विदाउट अल्फा, ये एल्डिहाइड विदाउट अल्फा. सो दिस कैन नॉट बी कंपाउंड पी. और अगर आप इसको देखते हैं बी को, बी ऑप्शन में जो गिवन है उससे हम चेक करके बता सकते हैं कि ये हमारा अप्रोप्रिएट कंपाउंड जो है होगा. तो इसमें स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट एक छोटा सा चेंज है और वो चेंज यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप प्लेस कर दिया हमने, बाकी सब एज इट इज़ है. तो देखिए ये यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप प्लेस कर देंगे तो ये मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच्ड रहेगा, है ना. तो डायरेक्टली हमें एक ही के लिए ये जो है थोड़ा चेंजेस करना था, ये मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ प्लेस कर दिया. अब इसके ओजोनोलिसिस से इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे. ऐसा नहीं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको वापस से करना होगा, ये थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा. तो ये हमारे पास में आ गया सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एस थ्री. तो ये एक कार्बोनिल कंपाउंड विथ अल्फा हाइड्रोजन एटम आ गया. तो इस कार्बोनिल कंपाउंड विथ अल्फा हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे हम कह सकते हैं ये यहाँ पर जो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी. तो ये जो है हम यहाँ पर ऑप्शन बी के लिए जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आंसर चेक कर लेते हैं, बी आंसर करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट एस. जो अब एस का स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो एस का स्ट्रक्चर हम यहाँ से बना सकते हैं. ये जो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमें करनी है, एल्डोल रिएक्शन करानी है. तो ये सिंपल सा यहाँ बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स मेंबर रिंग बन गई एडिशनली. और इस सिक्स मेंबर रिंग में ये यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ओ रहेगा
सी डबल बॉन्ड सी और ये डबल बॉन्ड ओ रहेगा, तो ये हमारा एस का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. सो दिस इज एस. सो चेक करिए ये किस ऑप्शन में गिवन है एस हमारा. ये इस टाइप का जो एस है वो ऑप्शन बी के अंदर गिवन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, प्रोडक्ट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली. तो ये क्यू का स्ट्रक्चर तो हमारा ये रहा, दिस इज क्यू. और आर का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो फिर आर हमारा ये इस टाइप से हो जाएगा. तो क्यू देखिए कि ये क्यू हमारे पास में तीन मिथाइल वाला क्यू है, तो तीन मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में गिवन है और ऑप्शन ए में गिवन है. तीन मिथाइल ग्रुप एक ही ऑप्शन में गिवन है. और आर जो है अप्रोप्रिएटली एक हमारे पास में कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, और कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन एटम तो वैसे दो है, और वैसे भी हमारा आंसर जो है वो बेसिकली तीन मिथाइल ग्रुप वाला जो क्यू है उससे आ गया, और दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए. तो ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मतलब एक आपने को हिंट मिल गया तो उससे फिर आपने कम्प्लीटली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. नाउ मैच ईच ऑफ द कंपाउंड इन कॉलम वन विथ इट्स करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस इन कॉलम टू. तो ये कुछ कंपाउंड गिवन है और इसका हमें करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस के साथ मैचिंग करनी है. तो यहाँ पे हमारे पास में एक साइनाइड गिवन है, साइनाइड के अंदर जो है हमारा कार्बन कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है. एंड ऑप्शन कॉलम टू के अगर देख लेते हैं तो रिडक्शन विथ पेलेडाइज्ड चारकोल एंड एच टू, रिडक्शन विथ स्टेनस क्लोराइड एंड एच सी एल, डेवलपमेंट ऑफ फाउल स्मेल ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म. तो देखिए रिडक्शन विथ पेलेडाइज्ड चारकोल इन एच टू इंडिकेट करता है कोई डबल बॉन्ड है या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, तो इनको बहुत इजीली रिड्यूस किया जा सकता है. इसके बाद में फिर जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया जा सकता है हाइड्रोजन के साथ जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, एसिड एंड दैट डेरिवेटिव का रिडक्शन डिफिकल्ट होता है, बाकी सभी ग्रुप्स को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं. और बेसिकली पैलेडाइज चारकोल in presence of H2 is preferred for reduction of double bond, carbon-carbon double bond in presence of some other reducible functional groups. तो यहाँ पे clearly हमें देखेंगे कि option A के साथ हमारा क्या आ रहा है. तो option A के साथ देखिए कि option A के साथ जो है हमें एक तो reduction with palladized charcoal with H2 मिल जाएगा, तो option P हमारा A के लिए correct होगा. ये cyanide है इसलिए यहाँ पे Stefan reduction reaction भी हो सकती है, तो ये जो है क्यू भी हो जाएगा, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शंस का ऑप्शन आ जाएगा. साइनाइड है डेवलपमेंट ऑफ फाउल स्मेल ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक क्यूएच, ये ठीक नहीं होगा. और साइनाइड है सो इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय डाइबल एच, तो ये एस बी इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन नजर आ रहा है, एस बी हमें कंसिडर करना चाहिए. नाउ अब यहाँ पर साइनाइड है तो इसका हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है यहाँ पे. तो ये ए के लिए पी क्यू एस टी हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे. बी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो ये एस्टर है. ठीक है, एस्टर का रिडक्शन जैसे मैंने बताया था कि एसिड एंड डेरिवेटिव का रिडक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से डिफिकल्ट होता है, वेदर वी चूज निकल एज अ कैटलिस्ट और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट और प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. तो नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं एस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या अमाइड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. ठीक है, तो ये हमारे पास में ए तो नहीं आएगा, और एस्टर को आप SnCl टू NHCl से भी रिड्यूस नहीं कर सकते हो, कोई फाउल स्मेल भी यहाँ पे नहीं होगी, बट एस्टर कैन बी रिड्यूस विद डाइबल एच, एस्टर कैन बी रिड्यूस विद डाइबल एच, तो एस तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे होगा ही होगा, और एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है. तो ये टी भी हमारे पास में एक ऑप्शन बन सकता है. नाउ ये एक अनसेचुरेटेड एल्कोहल है, इस अनसेचुरेटेड एल्कोहल का पैलेडाइज चारकोल और H2 के साथ रिडक्शन हो सकता है. ठीक है, स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ रिडक्शन नहीं होगा, कोई फाउल स्मेल प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं होगा,
और रिडक्शन भी डाइबल एच भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी इसका नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन के अंदर अगर देखेंगे तो कोई भी रिड्यूसेबल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये जो कोई भी रिडक्शन वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो देखिए पी में भी रिडक्शन है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यू में भी रिडक्शन है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फाउल स्मेल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये 1 डिग्री अमीन है, और 1 डिग्री अमीन जो है वो ये फाउल स्मेल प्रोड्यूस होगा, तो आर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा हमारा। रिडक्शन वाला कोई भी स्टेप कंसिडर नहीं करना है, और अमीन जो है इसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा, तो ओनली आर। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखेंगे तो ए के अंदर पी क्यू एस टी हमारा करेक्ट है, और बी के अंदर एस एंड टी जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा, और सी के अंदर पी आएगा, और डी के अंदर आर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो करेक्ट चॉइसेस जो है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग सुगर्स एक्स एंड वाई इज आर। तो देखिए सुक्रोज पे पहले ये सॉरी सुक्रोज पे भी क्वेश्चंस था, सेलुलोज पे भी क्वेश्चंस था, और फिर वापस से सुगर पे क्वेश्चंस आ गया, कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दे दिए गए हैं आपको। तो ये जो बायोमोलिक्यूल की केमिस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, सो यू हैव टू मेक डाउन नोट्स ऑफ ऑल दीज इंफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने, और ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात हो रही है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात हो रही है, अल्फा बीटा टाइप की जो टर्म है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास में जो एक इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कर देते हैं दोनों साइड से, इसको अगर खोल देते हैं तो ये एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास में, इसको अगर चेक करते हैं तो ये अल्फा फॉर्म में आ गया हमारे पास में, अल्फा फॉर्म यहाँ पर आ गई। ये डाउनवर्ड OH ग्रुप है, क्योंकि ये जो हमारा कार्बन जब अपवर्ड रहता है तो ये डी कॉन्फिग्रेशन को इंडिकेट करता है, और जब ये CH2OH अपवर्ड है तो इसके अपोजिट साइड में जो OH होगा तो फिर वो अल्फा को इंडिकेट करेगा। तो ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे पास में एक्स है उसके अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो ये बेसिकली एक एसिटल फॉर्म में आ गया, एल्डिहाइड पे दो OR ग्रुप लगा हुआ है तो एसिटल फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिड्यूसिंग नहीं होगा, और इसको भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर देंगे तो ये एक OH ग्रुप ही बनेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नहीं बनेगा। तो ये नॉट इन हेमी एसिटल फॉर्म, और वो भी हेमी एसिटल फॉर्म में नहीं है, तो ये X जो होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। और इसको अगर आप चेक करते हो तो देखिए यहाँ पे इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इधर से और इधर से, तो ये एक जेम डायोल टाइप का बनेगा, और फिर एक H2O बाहर निकल जाएगा, ये एक एल्डिहाइडिक टाइप के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है बेसिकली एक रिड्यूसिंग टाइप का ग्रुप नज़र आ रहा है, और इससे भी चेक कर सकते हो आप, यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि ये यहाँ पर ये बेसिकली मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में पार्ट कर गया है, तो ये एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। हाइड्रोलाइज जब होगा तो इधर से भी हाइड्रोलाइज होगा, और ये तो क्लियरली इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे अभी हेमी एसिटल फॉर्म के अंदर है, तो हेमी एसिटल फॉर्म को ही डायरेक्टली हम प्रेफरेंस दे देते हैं। तो हेमी एसिटल वाला जो है मेक इट रिड्यूसिंग, सो वाई जो है हमारा रिड्यूसिंग होगा, एक्स जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। और यहाँ पे ये अल्फा लिंकेज होगी, और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये CH2OH के सेम साइड में इस कार्बन का जो एनोमेटिक कार्बन का जो OH है वो सेम साइड में, तो ये वाला जो हमारा कार्बन है वो बीटा कार्बन हो जाएगा। तो ये X इज़ नॉन रिड्यूसिंग सुगर एंड Y इज़ रिड्यूसिंग सुगर, Y के अंदर ये वाला जो हमारा हेमी एसिटल फॉर्म में, हेमी एसिटल पार्ट को कंसिडर करना है, ये एसिटल पार्ट को कंसिडर नहीं करना, हेमी एसिटल से हमें आइडिया लगाना है। सो X इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर एंड Y इज रिड्यूसिंग सुगर, तो एक तो B हमारा इसके अंदर आंसर होना चाहिए। और फिर ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन X एंड Y जो है, X के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा है, और Y के अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो बीटा है, तो ये ऑप्शन C भी इसके अंदर करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, B एंड C जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नाउ मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम वन विद द रिएक्शंस दैट दे कैन अंडरगो गिवन इन कॉलम टू। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, तो ये जो भी हमारे पास में कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये एक बेसिकली सिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और यहाँ पे बेंजाइलिक पोजिशंस पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर पॉसिबल होगा, ब्रोमीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बेंजाइलिक पोजिशन पे ब्रोमीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा, तो पी यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसमें ये जो हमारे पास में ब्रोमीन है इसका एलिमिनेशन भी हो सकता है. देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, तो क्यू भी पॉसिबल है इसके अंदर, क्यू भी यहाँ पर आ सकता है. नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कोई भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल नहीं है. नाउ एस्ट्रीफिकेशन विद एनहाइड्राइड, एल्कोहलिक ओएच ग्रुप नहीं है इसलिए एस्ट्रीफिकेशन विद एनहाइड्राइड भी नहीं हो सकता है. नाउ डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन हो सकता है यहाँ पर जो H है और ये जो H है उसको अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को डिहाइड्रोजिनेट इजीली किया जा सकता है प्रोवाइडेड प्रोडक्ट इज एरोमेटिक. प्रोडक्ट अगर एरोमेटिक बन सकता है, कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी अगर आ सकती है तो दैट कैन बी इजीली डिहाइड्रोजिनेटेड. तो यहाँ पर ये टी भी एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा. नाउ इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा. ठीक है, PCl5 के साथ रिएक्ट कराओगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. ये एक प्राइमरी अल्कोहल है लेकिन बीटा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन वगैरह नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है इसलिए इसमें एलिमिनेशन नहीं हो सकता है. कोई सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा. अल्कोहल है सो इट कैन अंडरगोज एस्ट्रीफिकेशन विद एनहाइड्राइड, तो एस आ जाएगा यहाँ पे. एंड ये प्राइमरी अल्कोहल है इसलिए इसका डिहाइड्रोजिनेशन भी हो सकता है. रेड हॉट कॉपर के कांटेक्ट में इस प्राइमरी अल्कोहल को लेकर के आएंगे तो ये डिहाइड्रोजिनेट होकर के प्राइमरी एल्डिहाइड बना देगा, बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस कर देगा, तो टी भी यहाँ पे आएगा. ना इस कंपाउंड को अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि कोई गुड लिविंग ग्रुप नहीं है. ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड में जो OH है दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई एलिमिनेटिंग टाइप का भी ग्रुप नहीं है. सी डबल बॉन्ड ओ है एल्डिहाइड का, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज पॉसिबल. तो आर हम कंसिडर करेंगे, ये फिनोलिक ओएच ग्रुप है तो वो एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. जैसे हम जो हमारे पास में ये सैलिसिलिक एसिड होता है उससे एस्प्रिन बनाते हैं हम, तो वो एक एस्ट्रीफिकेशन टाइप की रिएक्शन होगी. और इसमें डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा. ये एक ब्रोमाइड है तो इसमें और एक्टिवेटेड एरोमेटिक ब्रोमाइड है तो एक्टिवेटेड एरोमेटिक ब्रोमाइड कैन इजीली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये पीक अप्रोप्रिएट है इसके लिए. एलिमिनेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नाइट्रो ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, OH ग्रुप नहीं है, एस्ट्रीफिकेशन नहीं हो सकता है और डिहाइड्रोजिनेशन भी पॉसिबल नहीं. तो मेरे हिसाब से ये जो है इस ऑप्शन के अंदर PQT, ए के लिए PQT, बी के लिए जो है PSD और सी के लिए RS और डी के लिए ओनली P. चेक कर लेते हैं आंसर क्या है. सो ये ए के लिए PQT दे रहा है, ठीक है, और बी के लिए PST दे रहा है, ठीक है, और आर सी के लिए R एंड S दे रहा है, राइट, और डी के लिए P दे रहा है, दैट इज ऑल्सो राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन जो है हमारे पास में ये 2010 के पेपर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 है. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड गिवन है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा ये हमें चूज करना है. तो इस डाइसैकेराइड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए यहाँ पे जो है रिंग है ए और बी, वो फ्यूरेनोज है या पायरेनोज है एक तो उसकी बात हो रही है, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है उसकी बात हो रही है. तो देखिए फिर जो है बायोमोलिक्यूल पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है. सो बायोमोलिक्यूल इज अगेन इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रिवाइज प्रॉपरली विथ ईच एंड एवरी पार्ट गिवन इन योर NCERT टेक्स्ट बुक एज वेल एज इन द मॉड्यूल ऑफ विद्यामंदिर क्लासेस. सो ए को अगर हम देखेंगे तो ये एक सिक्स मेंबर रिंग है, तो सिक्स मेंबर रिंग अगर है तो ये बेसिकली पायरेनोज टाइप का स्ट्रक्चर होगा, यू नो वेरी वेल. तो ये ए हमारा पायरेनोज है, तो ये आंसर या तो ए होगा या फिर आंसर जो है हमारा ए रिंग जो है वो पायरेनोज टाइप का है, तो आंसर तो ए ही होगा. ए रिंग जो है पायरेनोज टाइप का है क्योंकि ये जो हमारे पास में इस टाइप का कोई साइक्लिक कंपाउंड होता है, दिस इज द पायरेन. तो इसी से आइडिया हमने लिया है बायोमोलिक्यूल के अंदर, अगर इस टाइप की हम रिंग बनाते हैं हेवर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर, तो ये पायरेनोज टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो होता है. तो ए इज पायरेनोज, ठीक है. अब आपको बस यहीं से जो है हमारा आइडेंटिफाई हो गया, यहीं से हमारा आंसर आ गया, रिंग ए इज पायरेनोज. आप बाकी की चीज़ें जानते हो या नहीं जानते हो कोई मैटर नहीं करता है, इट्स वेरी मतलब ईजी टाइप का क्वेश्चन. रिंग बी इज नॉट पायरेनोज, तो उससे डी ऑप्शन तो आप रूल आउट कर दीजिए. सो ओनली ए इज करेक्ट इन दिस केस, सो ये आ गया. अब हम चेक कर लेते हैं कि ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है. तो देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि ये जो हमारा
फिफ्थ कार्बन का जो CH2OH ग्रुप जहाँ लगा रहता है, ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसी के रेस्पेक्ट में हम अल्फा और बीटा को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक और तरीका भी बताया गया है क्लास के अंदर। तो यहाँ पे इस OH के अपोजिट ग्रुप अगर होगा तो वो अल्फा हो जाएगा, और अगर OH के सेम साइड में अगर होगा तो वो बीटा हो जाएगा। इसके लिए इसके रेस्पेक्ट में हम अल्फा और बीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं। CH2OH के सेम साइड में अगर है तो बीटा हो जाएगा, और CH2OH के अपोजिट साइड में अगर है तो अल्फा हो जाएगा। तो ये ऐसे इस बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं। 2010 का पेपर वन है, और अगेन इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास में आ गया। एक रिएक्शन दे रखा है, एनिसोल को HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हो। तो एनिसोल को HBr के साथ रिएक्ट कराओगे तो जैसे हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HBr, तो इसके अंदर आपको बताते हैं कि दो R ग्रुप में से कोई एक R ग्रुप अगर फिनाइल है, देन फिनॉल इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये हमारा बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, और इधर जो है वो बेसिकली Br आ जाएगा, और ये बन जाएगा CH3Br। तो देखो फिनॉल कहाँ पे बन रहा है, फिनॉल एक ही ऑप्शन के अंदर बन रहा है, फिनॉल जो है वो एक ही ऑप्शन के अंदर बन रहा है, और वो ऑप्शन डी के अंदर गिवन है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होना चाहिए, दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ अगेन 2010 पेपर वन से क्वेश्चन है हमारे पास में, फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Br2 की प्रेजेंस में क्रिएट कराई जा रहा है। तो इसका अलावा सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि एक्वस फेज में फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। तो एक्वस फेज में फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इंटरमीडिएट्स क्या प्रोड्यूस होंगे ये हमें चेक करना है। तो इंटरमीडिएट्स क्या प्रोड्यूस होंगे ये चेक करना है। तो देखिए बहुत इजी रिएक्शन है ये, वेल नोन रिएक्शन है कि ये हमारे पास में फिनॉलिक कंपाउंड जो है वो एल्कलाइन मीडियम के अंदर जब रिएक्ट करेगा Br2 के साथ, तो एल्कली के अंदर तो ये बेसिकली फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिनॉक्साइड के अंदर जो O- है बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, 1x1 रिएक्शन होती रहेगी, और ये जो है बेसिकली ऑर्थो मेटा पैरा टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पर बना लेता हूँ। तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि पहले ये हमारा पैरा बनेगा, फिर फर्दर ये Br2 के साथ रिएक्ट करेगा, ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करेगा। ठीक है, आप रिवाइज कर सकते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द मैकेनिज्म। और फर्दर ये Br2 के साथ जब रिएक्ट करेगा ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर और एक्सेस में अगर आपके पास में ब्रोमीन है तो ये और रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये फिर यहाँ पे एक ब्रोमीन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एक टेट्रा ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट भी बनता है इस रिएक्शन के अंदर, और ये एक वेल नोन कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज यूज एज ब्रोमिनेटिंग एजेंट। ठीक है, टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट भी बनेगा। मेजर प्रोडक्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर एक्सेस में होगा तो साथ में एक ये और एबनॉर्मल प्रोडक्ट भी बन सकता है यहाँ पे, टेट्रा ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। और ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट ईजीली जो है वो Br+ रिलीज कर देता है, यहाँ से ये Br+ अगर निकलता है तो इसको हम ब्रोमिनेटिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो दिस कंपाउंड इज यूज्ड एज ब्रोमिनेटिंग एजेंट, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, सो इंटरमीडिएट्स को अगर हम चेक करते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट कहाँ है, तो एक तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और एक ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और एक ये इंटरमीडिएट, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है नॉट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, बट मेनली यहाँ पर सो इन द रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज R, तो इंटरमीडिएट इज R, तो ए तो हमारा एक इंटरमीडिएट हो सकता है, बिल्कुल है ये, हमने ये चेक किया है कि ए इंटरमीडिएट है। बी जैसा कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, दैट इज़ नॉट करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस फाइनल प्रोडक्ट, तो ये बी को कंसिडर नहीं करेंगे। सी जो है ये है,
और डी तो यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं होगा क्योंकि मेटा पोजिशन पे तो अटैक नहीं होना है. तो ए और सी इसके करेक्ट आंसर्स हैं और ये ए और सी हम चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइसिन इज. तो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर्स गिवन है एंड टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स, बेसिक ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना. तो बेसिक ग्रुप तो बेसिकली लाइसिन एक अमीनो एसिड है, तो इसके अंदर बेसिक ग्रुप अगर हम देखेंगे तो अमीन ग्रुप ही होगा और लाइसिन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड होता है. इसके अंदर दो बेसिक ग्रुप होंगे लेकिन एक एसिडिक और एक बेसिक तो न्यूट्रलाइज होकर के ये ज्वीटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. तो ये तो हमारे पास में कॉन्जुगेट बेस है, इट्स नॉट एनफ बेसिक, तो इसलिए इसको तो बेसिक की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है. ये हमारा एक बेसिक ग्रुप होगा और इसको भी हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दैट्स ऑल्सो इसके अंदर नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ये चेंज हो गया. सॉरी, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में तो हमारा बेसिक होगा ही नहीं और ये कॉन्जुगेट बेस है. इसको कॉन्जुगेट बेस को हमें कंसिडर करना है, इसको भी कंसिडर करना है. ये मिस्टेक हो गया, बेसिक टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स हमें आइडेंटिफाई करना है. तो एक ये बेसिक हो गया और एक ये कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. लाइसिन को अगर सपोज हम डायरेक्ट फॉर्म में भी लिखते, ठीक है, इस फॉर्म में लिख करके जस्ट थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेसिक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इस फॉर्म में भी अगर लाइसिन हमारा रहेगा तो वो बेसिक तो रहेगा ही रहेगा. 1, 2, 3, 4 CH2 ग्रुप्स को अगर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे इस कार्बन के पास में हमारे पास में ये NH2 होगा और ये COOOH होगा. तो ये वाला जो H है वो यहाँ पे आ गया है, एसिड की तरह काम कर रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया. सॉरी, ये जल्दी जल्दी में मैंने बोल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड सोच करके कॉन्जुगेट बेस होगा, इसको हम बेसिक की तरह कंसिडर करेंगे और ये हमारा जो है वो बेसिक ग्रुप होगा. ये यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा, ज्विटर आयनिक फॉर्म में कंसिडर एग्जिस्ट करेगा, तो ये बेसिक नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं. सो देर आर टू बेसिक ग्रुप इन दिस केस. आंसर को चेक कर लेते हैं क्या कहता है ये, फिर वेरीफाई हो जाएगा. तो दैट वाज मिस्टेक, तो आंसर इसका टू कह रहा है. सो आपको ध्यान रखना है, ये इस टाइप की मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में भी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है स्लाइड के अंदर. सो आई थिंक ये कुछ बताना चाह रहा है हमें कि नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कितने होंगे, ये फाइंड आउट करना है. सो नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, सो ये एक कंपाउंड गिवन है, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हम कर रहे हैं, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में इसको यहां से ब्रेक कर देते हैं. तो ये डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ आ गया, ठीक, वाई बन गया ये. वाई एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसको एक्वस एनयूएच के साथ रिएक्ट करा के हमें हीट करना है. तो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ये अल्फा वन है, ये भी अल्फा वन है, ये भी अल्फा वन है और ये भी अल्फा वन है, सारे आइडेंटिकल टाइप के अल्फा वन है. तो किसी एक काइरल, सॉरी, किसी एक अल्फा कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक दूसरे सीओ ग्रुप पे हम कर देंगे. सो ओनली वन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन. सो दैट इज ओनली वन प्रोडक्ट. फिर हमारे पास में अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सोल्यूबल इन एक्वस एनएओएच. तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्यूबल इन एक्वस एनएओएच, फिनोलिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन एक्वस एनएओएच, और तो कोई कंपाउंड होगा नहीं जो एक्वस एनएओएच के अंदर सोल्यूबल होगा. ठीक है, एल्कोहल्स आर नॉट सोल्यूबल, एल्डिहाइड्स भी हम कह सकते हैं कि एक्वस एनएओएच के अंदर सोल्यूबल होंगे क्योंकि वो एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन शो कर देंगे या केनिजारो टाइप की रिएक्शन शो कर देंगे, तो ये इस टाइप से हमें देखना है. ठीक है, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड सॉल्यूबल हो सकते हैं, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जो है वो सॉल्यूबल नहीं हो सकते. तो सिंपल सा यहाँ पे जो एसिडिक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हमें देखना है. तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से जो हमारे कंपाउंड हैं वो एक्वस एनएओएच के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं. ये एसिड नहीं है, ठीक है, किसी भी टाइप की इसमें और कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये सॉल्यूबल होगा. ठीक है जी, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये जो है हमारे पास में कोई फिनोलिक कंपाउंड नहीं है, है ना, मिथॉक्स, ये इथॉक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है यहाँ पे और बेंजाइल एल्कोहल टाइप का है. सो एल्कोहल आर नॉट एनफ एसिडिक,
सो नॉट सॉल्यूबल. ये फिनॉलिक कंपाउंड है, तो ये हमारा एक अप्रोप्रिएट आंसर होगा. ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, नॉट एलिफेटिक टाइप. और ये फिनॉलिक कंपाउंड आ गया यहाँ पे, तो फिनॉलिक कंपाउंड तो एक्वस एनएच के अंदर डिजोल्व हो ही जाएंगे. ये तो एक हाइड्रोकार्बन ही है, सो नॉट सुटेबल. इसको भी हमें रिजेक्ट ही करना है. और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है, तो ये सुटेबल है. सो 1, 2, 3 and 4 फोर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन एक्वस एनएच. सो दीज आर दी फोर कंपाउंड सोल्यूबल इन एक्वस एनएच. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, एक रिएक्शन दे रखी है. इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये एक अमाइड ग्रुप है, ठीक है. तो इस अमाइड को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड टाइप की रिएक्शन नज़र आ रही है. तो इस हॉफमैन ब्रोमोमाइड से बेसिकली अमीन प्रोड्यूस होगा, और प्राइमरी अमीन मतलब इस CO ग्रुप को आप यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए, तो ये प्राइमरी अमीन बन जाएगा. और इस प्राइमरी अमीन का फिर इस बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, तो ये एक टाइप से यहाँ पे जो है पैरा पोजिशन पे मिथाइल लगा हुआ, फिर बेंजीन है, फिर NH है, फिर CO है, और फिर C6H5 है. तो ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर लग रहा है पैरा मिथाइल वाला, वो ये यहाँ पर है. एनहाइड्राइड नहीं बनेगा, ये अमाइड टाइप का बनेगा, ठीक है. तो ये हमारे पास में अमाइड इसके अंदर यहाँ नज़र आ रहा है, और ये इमाइड भी नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है. इमाइड कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये तो रिएक्शन हो चुकी है ना, एक CO ग्रुप तो निकल चुका है बाहर. सो ऑप्शन सी जो है हमारा इसका करेक्ट होगा, अमाइड ही हमें ढूंढना है. तो दो अमाइड गिवन है, एक बी में गिवन है और एक सी में गिवन है. और यहाँ पे बेसिकली जो अमाइड बनेगा वो पैरा टोलॉइल टाइप का अमाइड प्रोड्यूस होगा, तो सी ऑप्शन में पैरा टोलॉइल टाइप का है. सो अगेन एक हमारे पास में पैराग्राफ आ गया है, 2 LDHD एलिफेटिक LDHDs PNQ रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस K2CO3 टू गिव कंपाउंड R विच अपॉन ट्रीटमेंट विद HCN provides compound S on acidification and heating S gives the product shown below. तो ये इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि ये क्या है. सो टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है PNQ, सो एलिफेटिक एल्डिहाइड PNQ है. इसको एक्वस K2CO3 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये एल्डिहाइड और ये K2CO3 है. तो यहाँ पे जो है हमें लग सकता है कि ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन या कैनिजारो टाइप की रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है. सो गिव कंपाउंड R. अब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट बनने का मतलब है कि ये बेसिकली कुछ एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की हो गई रिएक्शन, क्योंकि कैनिजारो अगर होता तो दो टाइप की पॉसिबिलिटी होती, दो प्रोडक्ट बनते हैं. तो एल्डोल रिएक्शन हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया. सो दिस कंपाउंड R जो है हमारे पास में, ये भी कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा. या तो एल्डोल टाइप का होगा या एल्डोल कंडेंसेशन टाइप का प्रोडक्ट होगा. नाउ अब इसको हम HCN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं. अपॉन ट्रीटमेंट विथ HCN प्रोवाइड्स कंपाउंड S, तो ये S बन रहा है. And this S on acidification and heating gives this product. तो ये हमारे पास में जो S है वो एक लेक्टॉन है, साइक्लिक एस्टर. और ये जो है हमारे पास में 5-membered साइक्लिक एस्टर है, जिसका मतलब ये बेसिकली गामा लेक्टॉन हो गया है. तो यहाँ पे ये कोई एक हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा. इसको अगर हम वापस से ओपन कर लेते हैं तो S का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कहेंगे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है S का, और ये यहाँ पर OH, C डबल बॉन्ड O एंड OH प्रोड्यूस हुआ. S जो है वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड पहले हीट करने से ये बना होगा, और फिर ये यहाँ पे हुआ होगा, और ये साइनाइड की रिएक्शन से बना होगा. इसका मतलब अभी S नहीं आया, पहले तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर किया है. बिफोर हाइड्रोलिसिस क्या प्रोडक्ट बन सकता है ये मैंने चेक किया है. तो अब साइनाइड बना करके फिर उसका हाइड्रोलिसिस करना होगा, तो साइनाइड हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा वो यहाँ पे ये OH लगा रहेगा और ये यहाँ पे CN लगा रहेगा. तो ये बेसिकली जो है वो S है.
नाउ एस अगर ये है तो आर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, हम चेक कर सकते हैं. आर बेसिकली एक कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा जिसपे साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये यहाँ पर जो है सी डबल बॉन्ड ओ रहा होगा, एल्डिहाइड टाइप का, क्योंकि यहाँ पे एच होगा. सो ये कार्बोनिल कंपाउंड अगर है तो फिर पी और क्यू जो होंगे वो क्या होंगे, हम चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बन गया है, ये एक एल्डिहाइड बन गया और ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है. तो मैं अगर इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि ये अल्फा है हमारा, तो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ये जो कार्बन हमारा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ टाइप का रहेगा CH3, और ये फॉर्मल्डिहाइड टाइप का होना चाहिए. यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो ओपन अप हो जाएगा, क्योंकि बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं एल्डोल रिएक्शन से. तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है. बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस हो गया एल्डोल रिएक्शन से. इसको ब्रेक कर देते हैं, जिस साइड में सीओ ग्रुप है उस साइड में अल्फा लग जाएगा और दूसरी साइड में जो हमारा OH आ जाएगा. तो ये इसके अंदर अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आ गए. क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या कह रहा है. कंपाउंड पी एन क्यू आर, तो कंपाउंड पी एन क्यू, पी और क्यू को हम चेक करते हैं. तो एक फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा जो है ये टू मिथाइल प्रोपेनल है, टू मिथाइल प्रोपेनल. तो फॉर्मल्डिहाइड तो हमें दो ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तीन ऑप्शन में इनफैक्ट, हाँ दो ऑप्शन में ही फॉर्मल्डिहाइड नज़र आ रहा है. तो ये दो ऑप्शन के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या है. तो ये एक हमारा फॉर्मल्डिहाइड हमें यहाँ दिख रहा है और एक फॉर्मल्डिहाइड ये यहाँ दिख रहा है, और दूसरा जो हमारा टू मिथाइल प्रोपेनल है, तो टू मिथाइल प्रोपेनल ये है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो बी करेक्ट ऑप्शन है इसका. नेक्स्ट कह रहा है कंपाउंड आर इज, तो कंपाउंड आर जो हमने बनाया है वो ये वाला है हमारे पास में, ठीक है. अल्फा पोजीशन पे आर एक एल्डिहाइड होगा, अल्फा पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप होंगे और बीटा पोजीशन पे एक OH ग्रुप होगा. ऐसे कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप. तो प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप जो है आपको नज़र आ रहा है एक तो ऑप्शन ए के अंदर और दूसरा ऑप्शन सी के अंदर. बाकी ये सेकेंडरी अल्कोहलिक OH ग्रुप है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहलिक OH ग्रुप है, तो इसको रूल आउट कर सकते हो. तो अब ए और सी से आप चेक कर सकते हो क्या है. तो ए के अंदर एज आई टोल्ड यू कि देर आर टू मिथाइल ग्रुप ऑन अल्फा पोजिशंस, तो इसके अंदर ए ऑप्शन के अंदर अल्फा पोजिशंस पे दो मिथाइल ग्रुप है, तो इसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं. तो इसका आंसर ए आना चाहिए, वो ए है. कंपाउंड एस इज, तो एस का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने ये बनाया, सेम ही है जो आपके पास में एल्डिहाइड था, वहां पे हाइड्रो साइनोहाइड्रिन नजर आ जाएगा. प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप, साइनोहाइड्रिन, और ये जो है मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप होंगे अल्फा पोजिशंस पे. तो ये हमें स्ट्रक्चर जो है एस का क्लियरली यहाँ से विजिबल फॉर्म में दिख रहा है. सो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा. तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है. ना फिर अगेन हमारे पास में मैच दी रिएक्शन इन कॉलम वन विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम टू आ गया है. तो इस क्वेश्चन को मैच दी फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको चेक कर लेते हैं. सो ये ए ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये तो एक डाइएजो कपलिंग हो गई है, तो एक तो सिंपल की सब्सिट्यूशन रिएक्शन है. तो डाइएजो कपलिंग सब्सिट्यूशन रिएक्शन, सो ए के लिए हम ये कहेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, सिंपल सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो दैट इज आर. और कपलिंग रिएक्शन है ये, तो इसके अंदर एस भी एक वेल नोन इसी रिएक्शन के लिए बेस्ट चॉइस है. और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, इसमें कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये तो अरेनियम आयन मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है इसमें. तो ए के लिए ओनली आर एन एस. अब इसके अंदर एक पिनेकोल पिनेकोलोन टाइप का रीअरेंजमेंट हो गया है, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, इसमें कोई रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, इट्स नॉट एडिशन, इट्स नॉट सब्सिट्यूशन, इट्स नॉट कपलिंग, सिंपल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. तो ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कंसिडर करेंगे. नाउ यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन हो रहा है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये प्लेनर कार्बोनिल कंपाउंड से बन रहा है हमारा ये. सो रेसिमिक मिक्सचर होगा, दैट इज पी, और ये जो है हमारे पास में एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, दैट इज क्यू. और सब्सिट्यूशन नहीं है, कपलिंग नहीं है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं है.
यहाँ पे ये जो बेस है वो बेस इस H प्लस को हटा देगा, ठीक है, जो हमारे पास में मरकैप्टन्स होते हैं वो एसिडिक कंपाउंड होते हैं, और ये जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा यहाँ पे, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा, तो ये Cl जो है यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अब इसमें कोई भी ये वाला कार्बन हमारा कायरल तो है नहीं, क्योंकि इसमें सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है जी, और पहले से भी कोई कायरल नहीं था, तो टेसमिक मिक्सचर नहीं है, एडिशन नहीं है, ये सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, इसको कपलिंग रिएक्शन नहीं कहेंगे, और कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन जो है वो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रही है। हम कह सकते हैं कि ये एक SNI टाइप की मैकेनिज्म है, जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो ये जो है मेरे हिसाब से इसके ऑप्शंस हो गए, आप चेक कर सकते हो, ए में RS होना चाहिए, बी में T होना चाहिए, सी में P एंड Q होना चाहिए, और डी के अंदर जो है वो R होना चाहिए। तो ये ए में RS है, बी में T है, और सी में P एंड Q है, और डी में R ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है पेपर 2011 का है, पेपर 1 है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट एसिडिक इज, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको देख लेना है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या कोई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है या नहीं। तो यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, तो ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो है हमारे पास में फिनोलिक कंपाउंड तो पहले भी मैंने बताया था, जैसे कैन नॉट बी स्ट्रॉन्गर कम्पेयर टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड अमंग कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आंसर जो है सी आंसर आना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये आ गया, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो है हमारे पास में एक कंपाउंड गिवन है थैलीमाइड, और इस थैलीमाइड को KOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो थैलीमाइड के अंदर ये जो KOH है हमारा, ठीक है, थैलीमाइड का H जो है वो एसिडिक होता है, तो ये इसको यहाँ से H को बाहर निकालेगा, डीप्रोटोनेट कर देगा। फिर ये नाइट्रोजन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस ऑर्गेनिक हैलाइड पर अटैक कर देगा। तो इसमें एक डब ये जो है हमारे पास में sp3 hybridized कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है, और एक sp2 hybridized कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है। ये पहले भी मैंने बताया था कि अगर सपोज हमारे पास में एलिफेटिक हैलाइड है और एरोमेटिक हैलाइड है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली एलिफेटिक हैलाइड्स के अंदर हो जाता है, मतलब sp3 hybridized कार्बन से अगर हैलोजन बॉन्डेड है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट के अंदर एक तो ब्रोमीन रहेगा ही रहेगा। तो प्रोडक्ट के अंदर जो ब्रोमीन नजर आ रहा है वो ऑप्शन ए में नजर आ रहा है और ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा वो हमारा नाइट्रोजन ही मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। ऐसे नहीं कर सकते आप कि इसको डीलोकलाइज करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दीजिए, ऑक्सीजन जो है वो इतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नाइट्रोजन से अटैक होगा और ब्रोमीन रहेगा, तो नाइट्रोजन से अटैक हो गया और ब्रोमीन प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर, सो आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक हमारे पास में फिर पैराग्राफ टाइप का आ गया, एंड ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पी एविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10 गेव एसीटोन एज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थ्रू द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन इन विच क्यू इज एन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पैराग्राफ का कि क्या है ये। सो ये पी हमारे पास में एक ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, C6H10 है, और इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ जाता है, ठीक है, 6 कार्बन की एल्केन के लिए 14 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, और यहाँ पे अभी 10 ही हाइड्रोजन एटम है, सो देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम। सो डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम मीन्स ए प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और 2 रिंग और अ रिंग एंड डबल बॉन्ड। अब इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि ये एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 है, तो ये कोई भी एक हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है,
हमें नहीं पता है कि किस टाइप का ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो अब इस ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को आप इस कंडीशन में रिएक्ट कराएंगे तो ये जो हमारा कोई प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट को हम रिएक्ट करा रहे हैं NaBH4 के साथ, तो रिडक्शन हो जाएगा और फिर इसको जो है हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, क्योंकि NaBH4 के साथ में जो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद में हमें सोडियम को हटाने के लिए एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा. तो देखिए ये जो है वो कोई भी एक कीटोन टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा, और कीटोन की NaBH4 के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल टाइप का बनेगा. रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये सेकेंडरी अल्कोहल टाइप का कोई होगा. अब ये जो भी हमारे पास में एक सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये क्यू आ गया है. अभी नहीं बता सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन है कि ये टर्मिनल है या इंटरनल है, तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है. अब ये जो भी एक अल्कोहल बन गया, इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन कैटालिटिक अमाउंट ट्रीट कर रहे हैं हम, और कह भी रहा है कि वाटर का लॉस हो गया है, तो ये एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया जा रहा है जिंक एंड वाटर की प्रेजेंस में, सो ओनली एसीटोन प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल एसीटोन के बन गए. सो 2 मोल एसीटोन के अगर हमें प्रोड्यूस हो गए हैं यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि एल्कीन का जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो ये वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा एल्कीन का. आपको पता है कि ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट को यूज़ करके हम एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये फाइंड आउट कर सकते हैं. अब एल्कीन का स्ट्रक्चर अगर ये है तो ये जो हमारे पास में एक 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बताया जा सकता है. तो देखिए अब यहाँ पे ये एक रीअरेंजमेंट हुआ होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हमें एल्कीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा कंसीडर करना होगा. इस क्यू के लिए, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हो क्यू के लिए, लेकिन वो क्यू जो है वो आपका टर्शरी अल्कोहल टाइप होगा. अगर ये अल्कोहल है, ये अगर क्यू है, तो इससे भी ये एल्कीन बन सकती है, लेकिन ये अगेन हमने पहले ही एनालिसिस किया था कि ये कोई एक एल्काइन है, और ये रिएजेंट किसी के साथ भी अगर रिएक्ट करता है जिसका मतलब वो एक एल्काइन ही है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और एल्काइन जब इस टाइप के रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा कीटोन ही बनेगा, ठीक है. टर्मिनल एल्काइन अगर है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मिथाइल कीटोन ही बनेगा. अब इस कीटोन का NaBH4 के साथ रिडक्शन हो रहा है, तो कीटोन के रिडक्शन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल ही प्रोड्यूस होते हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको रूल आउट किया है, ठीक है. अब ये क्यू अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा ईजीली बता सकते हैं हम. तो कीटोन का स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का होगा. कीटोन का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो तो फिर ये जो हमारी एल्काइन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ईजीली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये एक टर्मिनल एल्काइन होगी. तो ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे चेक कर लिए, ठीक है. अब ऑप्शंस को हम मैच कर सकते हैं कि क्या है. सो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पी इज, तो कंपाउंड पी जो है बेसिकली एक 4 कार्बन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टर्मिनल एल्काइन, और एक टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इसमें नजर आ रहा है, तो टर्मिनल एल्काइन विद टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी के अंदर. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड क्यू. क्यू एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल आप चेक करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल ए ऑप्शन में है, सेकेंडरी अल्कोहल बी ऑप्शन में, सारे ही सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, तो सारे ही सेकेंडरी अल्कोहल है. तो इसमें अगर हम चेक करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सेकेंडरी अल्कोहल टाइप का, वो ये इस टाइप का आ गया, जिसमें आयोडोफॉर्म टाइप की रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज हो रही है. तो ये गिवन है ऑप्शन, आयोडोफॉर्म टाइप की रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज बी और सी के अंदर दे रहा है, ये तो एडिशनली बोल रहा हूँ मैं, बी और सी के अंदर गिवन है. और बी और सी में अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास में जो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप दिखाई देगा ये वाला, वो बी ऑप्शन में गिवन है, तो टर्ड ब्यूटाइल बी ऑप्शन के अंदर आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगेन ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं कि क्या है ये. A decapeptide having molecular weight 796 on complete hydrolysis gives glycine having molecular weight 75, alanine and phenylalanine.
Glycine contributes 47% to the total weight of the hydrolyzed product. Number of glycine units present in the decapeptide is. तो यहाँ पे सिंपल सा ये हमारे पास में कोई भी एक पेप्टाइड है, ठीक है, डेका पेप्टाइड है, इसका मतलब इसके अंदर 10 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होंगे, ठीक है. डाई पेप्टाइड का मतलब 2 अमीनो एसिड रेजिड्यू ऑब्टेन होंगे, डेका पेप्टाइड का मतलब 10 अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो ये हमारे पास में कोई भी एक डेका पेप्टाइड हो गया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और ये वेरियस प्रोडक्ट बन रहे हैं. एक तो हमारे पास में ये NH2CH2, ठीक है, डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे ग्लाइसिन, जैसे क्वेश्चन के अंदर भी फॉर्मूले नहीं गिवन है. और क्या है, ग्लाइसिन के साथ में एलानिन है एंड फिनाइल, ये ऑप्शंस गिवन है. ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो ये मैं एम नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 75, और इसका भी मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, ठीक है, एम नॉट डैश, ये 796 गिवन है. तो अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा, हमें बस ये देखना है कि कितने मोल वाटर का जो है एडिशन हो रहा है. तो ये डेका पेप्टाइड है, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो है बेसिकली हमारे पास में कोई एक टर्मिनल यूनिट होगी, कोई एक एन टर्मिनल अमीनो एसिड टाइप का ग्रुप होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो कि क्या होगा कैसा होगा. और ये हमारा सी टर्मिनल टाइप का अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, सी टर्मिनल टाइप का अमीनो एसिड, ऐसे ऐसे चलता जाएगा. और ये टोटल जो है हमारे पास में वेरियस अमीनो एसिड यूनिट्स जो है वो नजर आएंगी इसके अंदर. तो यहां पे जो है हमारे पास में बेसिकली 9 बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे. डेका पेप्टाइड को अगर हम लेंगे, जैसे ये अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5, 6, 7, अमीनो एसिड 8, अमीनो एसिड 9 और अमीनो एसिड 10. ये सी टर्मिनल वाला हो जाएगा, ये एन टर्मिनल वाला हो जाएगा. अब ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा हाइड्रोलिसिस के दौरान. तो ये इतने सारे बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है. और हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होगा. तो यहाँ पे कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे यूज्ड अप हो जाएंगे. तो हम चेक कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कोई भी हमारे पास में एक पेप्टाइड हो गया, 9 मोल वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें से एक हमारा प्रोडक्ट जो है वो ग्लाइसिन है. तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 796 है, और यहाँ पे जो 8 मोल वाटर के कंज्यूम होंगे उसका मास हम देख लेते हैं क्या है. तो ये जो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट का मास हमारे पास में 796 प्लस 9 × 18 ग्राम, ये प्रोडक्ट का मास आ जाएगा. टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट प्लस सब अदर प्रोडक्ट्स भी हैं. अब इसमें से ग्लाइसिन जो है वो उसका परसेंटेज गिवन है, नंबर ऑफ ग्लाइसिन कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एन जो है वो ग्लाइसिन होंगे हमारे पास में. सो परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन अगर हमें देखना है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइसिन इनटू मोलर मास ऑफ ग्लाइसिन अपॉन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 796 प्लस 9 × 18 हमारा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा इनटू 100. और ये परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो उसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो क्या आएगा. तो ये तो जस्ट एक कैलकुलेशन पार्ट है, सो यू कैन डू इट. सो नाउ आंसर इज सेइंग 6, सो डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर बाय अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंगस्ट द कंपाउंड गिवन, द वन दैट वुड फॉर्म अ ब्रिलियंट कलर्ड डाई ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl. तो ये एजो डाई टेस्ट हो गया. एजो डाई टेस्ट जो होगा वो प्राइमरी अमीन्स में आता है, और प्राइमरी अमीन्स में भी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स. एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सी में गिवन है, ठीक है. सो अमंगस्ट द कंपाउंड गिवन, द वन दैट वुड फॉर्म अ ब्रिलियंट कलर डाई ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 इन डाइल्यूट HCl फॉलोड बाय एडिशन ऑफ एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल. तो ये सी ऑप्शन के अंदर
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये एक अनसेचुरेटेड ईथर है, अनसेचुरेटेड ईथर को एनहाइड्रस मीडियम में एल्कोहल के साथ रिएक्ट करा है, तो जो एनहाइड्रस मीडियम में है तो इसलिए इस एल्कोहल, इस अनसेचुरेटेड ईथर का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रेटेड मीडियम में ईथर, साइक्लिक ईथर जो होते हैं हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, स्पेशली जो अनसेचुरेटेड ईथर है इंस्टेंटली रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये एनहाइड्रस मीडियम है इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सिंपल सा एल्कीन पर एडिशन रिएक्शंस हमें कंसिडर करनी है। सो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है एनहाइड्रस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनहाइड्रस ये कह रहा है कि इसका जो है वो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में जो ऑक्सीजन है इसका लॉन पर डीलोकलाइज हो रहा है, ये यहाँ आ जाएगा और फिर ये एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन टाइप का यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। अब इस इंटरमीडिएट इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसलिए मैं कार्बोकेटाइन टाइप कह रहा हूँ, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ आ जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब इस पर क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है एक प्राइमरी एल्कोहल, उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है, तो ये इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। सो ये ओ सी एच टू आर एच प्लस आ जाएगा और फिर इस एच प्लस का लॉस हो जाएगा, एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको चेक करिए कि इसमें इस कार्बन के पास एक एच है और दो एल्कोक्सी ग्रुप लगे हुए, सो इट इज एसिटल, है ना। मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या है, हेमीएसिटल नहीं होगा, ईथर नहीं होगा, एस्टर नहीं होगा, एसिटल होगा मेजर प्रोडक्ट इसका, तो बी इज द आंसर, एसिटल। फिर देखिए अगेन एक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आ गया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है ये बताना है हमें। तो फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक तो ये सिक्स मेंबर रिंग है, ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग है, इसका मतलब ये पायरेनोस टाइप का होगा ही होगा, बट ये जो है पायरेनोस में भी अल्फा पायरेनोस होगा या बीटा पायरेनोस होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जो हमारे पास में ये जो है वो चेयर फॉर्म है पायरेनोस फॉर्म की, तो चेयर फॉर्म के अंदर जो हमारे पास में बीटा कार्बन का जो ओएच होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होगा, बीटा कार्बन का जो ओएच होगा वो इक्वेटोरियल, ये एनोमेरिक ओएच जो है बीटा फॉर्म के अंदर एनोमेरिक ओएच जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, तो ये जो है यहाँ पर इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल का मतलब हो गया कि ये जो है सो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, इसलिए ये अल्फा नहीं होगा, ये बीटा फॉर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है। और ये यहाँ पर हेमी एसिटल फॉर्म में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बनेगा, सो ये एक एल्डोहेक्सोस डेफिनेटली है, सिक्स मेंबर रिंग है, सो इट इज नॉट फिरेनोस, ये पायरेनोस है लेकिन बीटा पायरेनोस है, एल्डोहेक्सोस है, तो बी इसके लिए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।